सो गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आपने GTA 5 के अंदर कोई भी मेंशन या कोई भी विला अपने GTA 5 में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस आपने अपने GTA 5 के अंदर अगर कोई भी विला या कोई भी मेंशन डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है, तो उससे पहले सबसे पहले आपको अपने GTA 5 के अंदर मेन्यू ट्रेनर होना चाहिए। अगर आपके GTA 5 में मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल नहीं है, तो आप विला या मेंशन नहीं डाल पाएंगे। तो मेन्यू ट्रेनर के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जाके इस वीडियो को देख ले और अपने GTA 5 में मेन्यू ट्रेनर को इंस्टॉल कर ले। अगर मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल करने के बाद अगर आपके पास कोई एरर आ रहा है, तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी, तो जाके ये वाली वीडियो देख लो। इससे आपका मेन्यू ट्रेनर का जो भी एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा और आपका मेन्यू ट्रेनर स्टार्ट हो जाएगा और GTA 5 में कोई इश्यू भी नहीं आएगा। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए अपनी वीडियो को असली में आप शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले जो चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी अपने GTA 5 में मेन्यू ट्रेनर के साथ साथ विला और मेंशन को इंस्टॉल करने के लिए, तो विला और मेंशन के लिए सबसे पहले आपके पास एक मैप बिल्डर होना चाहिए। तो आपको पहले ये वाली फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद मैप एडिटर, ऑब्जेक्ट स्पॉनर, उसके बाद हीप एडजस्टर, उसके बाद पैक फाइल लिमिट एडजस्टर, उसके बाद लेमन नाम की एक फाइल है, इसको इंस्टॉल करना है। इसके बाद है हमारे पास जो सबसे अहम चीज, वो है हमारा विला। मैं जो विला चूज कर रहा हूँ अपने GTA 5 में इंस्टॉल करने के लिए, वो है विला JVay। अगर आपको ये विला पसंद नहीं आ रहा, मुझे तो वैसे टेक्निकली बहुत पसंद आ रहा है, अगर आप देख सकें तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैंशन है, साथ में इसके अंदर गाड़ियों की पार्क करने की जगह भी है और वाटरफॉल भी है और बहुत कुछ है, इवन कि आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी उतार सकते हो। तो गाइस ये मेंशन बहुत ही बेहतरीन मेंशन है, अगर आप इसको GTA 5 में इंस्टॉल करते हो तो आपके तो मजे आने वाले हैं। अगर वैसे आपको ये विला पसंद नहीं आ रहा, तो आप नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको मुख्तलिफ और विला भी नजर आ जाएंगे, जैसे कि विला वैलेंसिया हो गया, आयरन मैन का अपना खुद का विला यानी कि मेंशन, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। साथ में सीक्रेट एजेंट हेडक्वार्टर, ये आपने टेक्नो गेमर्स की वीडियो में भी देखा होगा विला, साथ में हाईफील्ड मेंशन भी है और बैली लॉफ्ट भी। आप अगर आपको ये वाला विला पसंद नहीं आ रहा, तो आप इनमें से भी कोई विला को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं आपको मजीद ऑप्शन देखें, तो आप यहाँ पे सर्च पे आके विला टाइप करेंगे या मेंशन टाइप करेंगे, तो आपको मजीद और विला या मेंशन नजर आ जाएंगे। सबसे पहले आपने करना ये है कि मैंने आपको सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी, वो है मैप बिल्डर की। जैसे आप मैप बिल्डर की लिंक को खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह नजर आएगा, और देखने के साथ तो बहुत हैरानी हो रही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 404 यानी कि एरर नजर आ रहा है। तो आपने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपने बस यहाँ पे मैप बिल्डर पे जाना है। मैप बिल्डर पे जाने के बाद आपको मुफ्त यहाँ पे मैप बिल्डर नजर आएंगे, मैप बिल्डर 5 प्रो, मैप बिल्डर 5, मैप बिल्डर सिल्वर और मैप बिल्डर 4 रीडक्स। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव एक्टिव एक्टिव। एक्टिव का मतलब बेसिकली यहाँ पे यही है कि ये पैसों के साथ आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप सबसे लास्ट पे जाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इनएक्टिव। बात ये है कि इनएक्टिव इसलिए क्योंकि ये फ्री में है, तो आपने बस यहाँ पे जाके डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं ये हाईलाइट भी हो रहा है, तो आपने आके इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली एक फाइल खुल जाएगी, जैसे कि मैंने पहले खोली हुई थी, तो यहाँ पे खोल लेता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे जाके आपने इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है, और ये 797 MB का है। मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसको डाउनलोड करते वक्त आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, और इसको डाउनलोड करने के बाद फिर जाके आप आगे के स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। सो गाइस अगर आपने ये मैप बिल्डर को डाउनलोड कर लिया है, जैसे कि मैंने भी किया हुआ है, तो उसके बाद फिर आप मैप एडिटर पर आएंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और मैप एडिटर को भी इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट स्पॉनर पे आएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और फिर दोबारा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसी तरह पे हीप एडजस्टर को डाउनलोड कर लेंगे, पैक फाइल लिमिटर को भी डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करके, और साथ में जब लेमन पे आएंगे हम लोग, तो लेमन के लिए आपको सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 फाइल गिवन है। आपको तीनों फाइल को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप ये लेमन UI वाले जिप पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। इसके अलावा आपको कुछ मजीद इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बाकी विला JVay, जैसे कि हमने इनको डाउनलोड किया पिछली फाइल्स को, उसके रस को भी डाउनलोड करेंगे, आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आपका डाउनलोड हो जाएगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि अब तक तो आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मजीद इस तरह की वीडियोस बनाते रहूं, तो लाजमी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी, तो ताकि आपके GTA 5 में आपको मजीद मजा आ सके मेरे इन स्टेप्स को और इंस्टॉलेशन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद। सो गाइस इन तमाम फाइल्स को इंस्टॉल करने के बाद आपने करना यह है कि आपने एक फोल्डर बनाना है, और उस फोल्डर के अंदर सबको एक साथ रीअरेंज कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूं।
सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी फाइल्स डाउनलोड की थी, जैसे कि ये मैप बिल्डर हो गया, मैप एडिटर हो गया, लेमन और पैक फाइल हो गई, आपकी हिप एडजस्टर हो गया, जितनी भी फाइल्स थी वो सारी मैंने डाउनलोड कर ली और साथ में विला को भी डाउनलोड कर लिया है और मैंने इनको नंबरिंग कर दी है और साथ में एक्सट्रैक्ट करके इनको मैंने अलग से फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। सो गाइस अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है तो उसका तरीका ये है, आपने जाके यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओपन विद करना है और विनरार पे चले आना है। विनरार पे जाने के बाद प्लस आपने एक्सट्रैक्ट टू करके ओके पे क्लिक कर देना है और जो आपकी लोकेशन होगी उसी लोकेशन पे आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं तो मैं इसको दोबारा से डिलीट कर दूंगा। सो गाइस इन फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद एक सबसे अहम काम है जो हमें अपने आप फाइल्स के अंदर करना पड़ेगा, यानी कि GTA 5 के लिए विला को इंस्टॉल करने के लिए करना पड़ेगा, वो ये है कि अब हम लोग को अपने GTA 5 के लिए OpenIV नाम की एक फाइल है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये फाइल्स हम अपने साइड पर रख देंगे, अब हम लोग OpenIV को इंस्टॉल करेंगे और उसके थ्रू ये जितनी भी फाइल्स है इनको फिर अपने GTA 5 के अंदर इंस्टॉल करेंगे और फिर अपने विला को डालेंगे। सो गाइस ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे OpenIV की जो फाइल है उसको खोलने के लिए लिंक को ओपन कर लिया है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाके आप इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग के पास इस तरह का एरर आए, तो इस तरह के एरर को रिमूव करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपने एडवांस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ नीचे नजर आएगा कि प्रोसीड टू OpenIV फाइल अनसेफ, तो यहाँ पे इसको क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास OpenIV वाली फाइल की जो लोकेशन है वो ओपन हो जाएगी, आप यहाँ पे आके डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना है तो आपके पास OpenIV इंस्टॉल हो जाएगा। एक बहुत छोटी सी फाइल है तो जल्दी से हो जाएगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमने OpenIV का जो सेटअप है उसको इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, इंग्लिश या फिर रशियन। रशियन तो हमें से किसी को आती नहीं होगी, आती होगी तो सही है, वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो फिर एक भी ऑप्शन बचता है वो है इंग्लिश। तो आप इंग्लिश पे सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद आपके पास एक अग्रीमेंट आएगा, जैसे कि बाकी तमाम जितने भी हम लोग गेम्स डाउनलोड करते हैं उसमें आता है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आई एक्सेप्ट द टर्म्स पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे ये लोकेशन पूछेगा कि आपने किस लोकेशन के अंदर करना है। मेक श्योर कि आपकी जो लोकेशन है वो लोकेशन लोकल डिस्क सी के अंदर हो। मैं इसके अंदर मजीद कोई चेंजेस नहीं करूंगा, ना आपको कोई चेंज करने की जरूरत है, आपने कुछ भी नहीं करना, बस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपसे फिर ये पूछेगा कि देखो इसकी जो डाउनलोड साइज है वो 20.4 MB है। बहुत से लोग होते हैं जिनके पीसी के अंदर स्पेस नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास एक गेमिंग पीसी है या एक गेमिंग लैपटॉप है तो मसला नहीं होगा, आपके लोकल डिस्क में ऑलरेडी स्पेस अवेलेबल होगी। तो आपने बस कुछ भी नहीं करना, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, यस पे क्लिक कर देना है और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और चंद सेकेंड्स के अंदर ये पूरा इंस्टॉल होकर आपको कंप्लीट रेडी होकर तैयार हो जाएगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पीसी के अंदर OpenIV इंस्टॉल हो चुका है, जिसकी मदद से हम लोगों ने जो फाइल्स डाउनलोड की थी मैप बिल्डर्स की और विलास की वो हम इंस्टॉल कर पाएंगे। अब आपने कुछ भी नहीं करना, क्लोज क्लिक कर देना और इस फाइल को भी क्लोज कर देना। अब इसके बाद सबसे अहम काम यह है कि हम लोगों ने अपने GTA 5 की मेन डायरेक्टरी खोलनी है। मेन डायरेक्टरी का मतलब यह है कि जहाँ पे हमारे GTA 5 के तमाम जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो अवेलेबल हो। उसको खोलने के दो तरीके हैं। अगर आपने किसी लोकल तरीके से GTA 5 को डाउनलोड किया तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा ओपन फाइल लोकेशन का। मैंने पर्सनली एपिक गेम्स से डाउनलोड किया है तो मैं एपिक गेम्स से पहले जाऊँगा, उसको ओपन करूँगा। इसके बाद आप लोगों ने लाइब्रेरी पर चले आना है। लाइब्रेरी पर जाने के बाद आपने GTA 5 को सर्च करना है। GTA 5 पर जाने के बाद आपने ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। इसके बाद मैनेज पर चले आना है। मैनेज पे जाने के बाद इंस्टॉलेशन की अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपके पास ये फोल्डर का लोकेशन आ रहा है और ऊपर आपके पास ये लिखा हुआ भी आ रहा है कि ओपन इंस्टॉल लोकेशन, यानी कि वो फोल्डर खुल जाएगा जहाँ पे हमारे जितने भी GTA 5 की फाइल्स हैं वो अवेलेबल होंगी। तो आपने इस पे क्लिक करना है। सो गाइस जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो आपके पास GTA 5 का जो फोल्डर है वो ओपन हो चुका है और आपने करना ये है कि यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और फोल्डर क्लिक करना है और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपने लिख देना है MODS। हमें एक मॉड्स का फोल्डर बनाना था तो हम बनाएंगे। अगर आप देख सकते हैं कि मैंने मॉड का फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ तो मैं इसको दोबारा नहीं बनाऊंगा, छोड़ दूंगा, उसको डिलीट कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी मॉड्स का फोल्डर अवेलेबल है। अगर आपने मेन्यू ट्विन इंस्टॉल किया होगा तो आपने मॉड्स का फोल्डर पहले से बनाया हुआ होगा, अगर आपने नहीं बनाया तो आप लाजमी बना लीजिएगा। मॉड का फोल्डर बनाने के बाद आपने करना ये कि आपने एक स्टेप पीछे आना है। पीछे आने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और जाके GTA 5 पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक फोल्डर पीछे आ जाएगा, यानी आपके GTA 5 के फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स अवेलेबल हैं। तो आपने बस एक स्टेप पीछे आना है और फिर यहाँ पे आके पॉज हो जाना है, फिर कुछ भी नहीं करना, फिर आपने बैक आ जाना है, यानी इसको मिनिमाइज कर देना है और एपिक गेम्स को भी क्लोज कर देना है।
क्लोज करने के बाद आपने ओपन आईबी वाली जो फाइल है आप देख सकते हैं आपके पास डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, इसको आपने ओपन कर लेनी है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ओपन आईबी ओपन हो चुका है और हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल है जैसे कि एपिसोड्स फ्रॉम लाइब्रेरी सिटी, उसके बाद ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 4, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 जो हम लोग करने वाले हैं, मैक्स पेन 3 और रेड डेड रिडेम्पशन 2। ये सारे गेम्स रॉकस्टार के हैं तो आपने करना ही है, क्योंकि आप लोग GTA 5 के अंदर मॉडिंग करना चाहते हैं तो आप GTA 5 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपसे लोकेशन मांगेगा। और मैंने अभी आप लोगों से GTA 5 की लोकेशन ओपन करवाई है, वो कैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपसे जो फोल्डर मिनिमाइज कराया था वो आप दोबारा खोल लेंगे। लोकेशन के लिए आपने यही करना है कि आपने इसको आप लोकेशन देनी है, मैंने ब्राउज पे क्लिक करना है, लोकल लिस्ट सी में जाना है क्योंकि मैंने लोकल लिस्ट सी में इसको सेव किया हुआ है। उसके बाद मैं चले आऊँगा एपिक गेम के अंदर, एपिक गेम के अंदर एपिक गेम GTA 5 वाले फोल्डर है, फिर GTA 5 को क्लिक करूंगा और सेलेक्ट फोल्डर कर लूंगा। उसके बाद मैंने कंटिन्यू करना है, आपने दोबारा कंटिन्यू करना है और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कि आपका ओपन आईवी अब फाइनली इंस्टॉल हो चुका है और अब आप जितनी भी फाइल्स थी जो आपने डाउनलोड की थी GTA 5 के अंदर विला डालने के लिए, अब वो उनको इंस्टॉल कर सकते हो आप अपने GTA 5 के अंदर। सो गाइस अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने एक तरफ ओपन आईवी वाली फोल्डर को खोल लेना है और एक तरफ अपनी मेन डायरेक्टरी को खोल लेना है। मेन डायरेक्टरी से मुराद मेरा ये है कि जहाँ पे आपके GTA 5 के तमाम फाइल्स ओपन हो। उसके बाद आपने ओपन आईवी के अंदर एडिट मोड को ओपन कर लेना है। एडिट मोड को ओपन हमेशा से रखने के लिए आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, देखें एक तरीका ये है कि आप लोग टूल्स पे चले जाएं और उसके बाद फिर ऑप्शंस में चले जाएं। ऑप्शन में जाने के बाद डिफॉल्ट वर्क मोड गिवन है, इस पे जाने के बाद आपने एडिट पे क्लिक करना है और क्लोज कर देना है। अब आप जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास हमेशा एडिट मोड ही ओपन होगा। अब हम लोगों ने करना ये कि हमारे पास ये जो मेन डायरेक्टरी वाली फोल्डर थी इसमें अपडेट फोल्डर आपको दिख रहा होगा, इसको आप लोगों ने कंट्रोल और सी दबा के कॉपी कर लेना है, मॉड्स वाला फोल्डर ओपन करना है और यहाँ पे जाके कंट्रोल दबा के वी दबा देना है। जैसे आप कंट्रोल वी दबाएंगे तो आपके पास जो अपडेट वाला फोल्डर है वो वहां से कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और होते होते उसको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, तो पेस्ट करके बस छोड़ देना और फिर थोड़ा रेस्ट कर लेना जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। 2 hours later। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि फाइनली हमारा जो अपडेट का फोल्डर है उसमें जितनी भी फाइल्स थी वो सारी उसमें आ चुकी है। भाई टोटल अगर देखा जाए तो ये टोटल 59 GB की है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी इतनी स्पेस लोकल डिस्क सी में अवेलेबल, सॉरी लोकल डिस्क डी में, जहां भी आपने GTA 5 का फोल्डर बनाया हुआ होगा वो अवेलेबल होना चाहिए इतनी स्पेस। सो गाइस इसके बाद हमने करना है कि क्योंकि हमारा काम यहां पे अब खत्म हो चुका है, हम इसको क्लोज कर देंगे, इसको टोटल ओपन कर लेंगे, फिर मॉड्स के अंदर जाएंगे और अपडेट वाली फोल्डर है इसको फिर ओपन कर लेंगे, 64 वाले को ओपन कर लेंगे, फिर DLC पैक इसको हमने ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी मॉडिंग या जो फाइल्स हैं हमारे पास वो इसके अंदर अवेलेबल है। तो हमें अब आ जाना है बैक और ये बैक आ गए हैं। अब हमें करना है कि हमें इसके बाद जाना है टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद हमें ASI मैनेजर में जाना है। तो ASI मैनेजर में हम लोग चले गए हैं तो हमारे पास आप लोग ये देख सकते हैं कि ASI लोडर, ओपन आईवी और ओपन कैमरा, ये तो इंस्टॉल हुआ हुआ है, बाकी ये दो नहीं हुए हुए। अगर आपके पास तीनों नहीं हुए हुए तो आप तीनों इंस्टॉल करोगे, जो इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ उनको आपने इंस्टॉल करना है। मेरे पास ये नहीं हुआ हुआ, मैं आप इंस्टॉल कर लूंगा इसको और इसको भी इंस्टॉल कर लूंगा और ये फॉरन से इंस्टॉल हो भी जाएंगे। इसके बाद फिर हमने इसको क्लोज कर देना है और इस पूरे फोल्डर को क्लोज कर देना है क्योंकि हमारा ओपन आईवी का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ओपन आईवी की मदद से अपनी जो फाइल्स हमने डाउनलोड की थी जिसके अंदर विला भी मौजूद था उसको अब इंस्टॉल करेंगे अपने GTA 5 के अंदर। अब हम लोगों ने करना ये है कि हम लोगों ने एक तरफ ओपन आईवी को ओपन कर लेना है और दूसरी तरफ हम लोगों ने जो फोल्डर बनाया था जिसमें हम लोगों ने सारी अपनी डाउनलोड फाइल्स अवेलेबल थी उनको एक तरफ ओपन कर लेना है। तो हमारे पास सारे फोल्डर्स अवेलेबल है, हम बारी बारी एक एक फोल्डर को अपनी डेस्टिनेशन के अंदर डालेंगे। तो गाइस आपने करना ही है कि इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद मैप बिल्डर में चले आना है, मैप बिल्डर में जाने के बाद आपने सिंगल प्लेयर OIV ऑटो इंस्टॉल पे चले आना है और उसके बाद फिर आपने MBIV रेडिक्स 4.1 जो है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ पे ओपन आईवी के अंदर लेकर आना है और छोड़ देना है। जैसे छोड़ेंगे तो आपके पास ये इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है, मॉड्स फोल्डर को क्लिक करना है और कन्फर्म पे क्लिक करना है और आपका ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आके क्लोज कर देंगे। अब हम लोगों ने करना ये है कि एक तरफ हम लोगों ने वो फाइल्स खोल लेनी है जो हम लोग की फाइल्स हमने डाउनलोड की थी,
जैसे कि मैप बिल्डर, मैप एडिटर, लेमन करके सारी फाइल्स मैंने एक तरफ कर लिया है और जो हमारा मेन डायरेक्टरी थी गेम की उसको मैंने एक तरफ ओपन कर लिया है। तो हमने बारी बारी जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, वो आपको बता दो मैं आपको करने किस तरह है। सबसे पहले आपने मैप एडिटर के अंदर जाना है। सो गाइस मैप एडिटर में आने के बाद फिर आपने दूसरी साइड जो है यहाँ पे स्क्रिप्ट्स के अंदर चले आना है। स्क्रिप्ट्स के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे सारी फाइल्स को कॉपी करना है, कंट्रोल पर सी दबा के यहाँ पे आके कंट्रोल पर सी दबा के पेस्ट कर देनी है। उसके बाद फिर आप लोग बैक आ जाएंगे, फिर आप चले जाएंगे लेमन यूआई के अंदर, SHVDN3 के अंदर। फिर तीनों फाइल्स को आपने यहाँ पे कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है। फिर आपने यहाँ पे बैक आ जाना है, फिर पैक फाइल एडजस्टर के अंदर जाना है, फिर तमाम फाइल्स को हमने कॉपी करना है। और फिर यहाँ स्ट्रिप्स के अंदर हमने कॉपी नहीं करना, हमें बैक आना है। बैक आके फिर मेन गेम डायरेक्टरी के अंदर हमने इसको कॉपी पेस्ट करना है। फिर उसके बाद हमने दोबारा बैक आना है, फिर ही एडजस्टर को ओपन करना है, फिर इन दोनों को कॉपी करना है और यहाँ पे इनको मेन गेम डायरेक्टरी के अंदर भी पेस्ट कर देना है। फिर इसके बाद हम लोग दोबारा बैक आएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे जो GTA वाली फाइल है इसको ओपन करेंगे, वर्जन 1.1 में जाएंगे। यहाँ पे GTA MP /unlock/all-objects.asi वाली जो फाइल है इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर हम लोग दोबारा बैक आएंगे और फिर जे विला जो हमारा एक्चुअल विला है इसको ओपन करेंगे। उसके अंदर जो हमारे पास व्हीकल्स j.xml फाइल है उसको कॉपी करेंगे और फिर इसको स्क्रिप्ट वाली फाइल ओपन करेंगे और वहां जाके पेस्ट कर देंगे। लेकिन हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग दोबारा जाएंगे और उसको क्लोज कर देंगे। अब हम लोग ओपन करेंगे ओपन वीआई। अब हमने करना यह है कि क्लोज करने के बाद हमने ओपन वीआई को भी ओपन करना है और इसको मैं एक तरफ कर लेता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे जो बाकी फाइल्स हैं इनको यहाँ पे कॉपी करेंगे, मॉड्स में जाएंगे, मॉड्स में जाने के बाद हम अपडेट में जाएंगे, अपडेट में जाने के बाद हम लोग 64 में जाएंगे, फिर DLC पैक्स में जाएंगे, फिर कस्टम मैप्स में जाएंगे, फिर दोबारा DLC में जाएंगे, फिर दोबारा 64 में जाएंगे, फिर लेवल्स में जाएंगे, फिर GTA 5 में जाएंगे, फिर सिटी में जाएंगे, फिर मैप्स में जाएंगे, फिर कस्टम मैप्स में जाएंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। सो गाइस हमारा जो है बेसिकली जितने भी फाइल्स थी हमने उनको इंस्टॉल कर ली है, OpenIV को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हम लोग ने करना ये है कि हम लोग ने अपने गेम के अंदर जाके मैप एडिटर को ओपन करना है और मैप एडिटर को ओपन करने के बाद फिर उसके अंदर हमने अपने विला को इंस्टॉल करना है। अब वो मैं आपको कैसे करते हैं वो करना सिखाऊंगा। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने GTA 5 के अंदर अब आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाजमी लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद लाजमी आपके GTA 5 के अंदर मैप एडिटर और साथ में विला इंस्टॉल हो जाएगा और जो भी प्रॉब्लम या एरर्स आपके GTA 5 के अंदर आ रही होंगी वो रिजॉल्व भी हो जाएंगी। सो गाइस लाजमी आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो पे एम करना चाहता हूँ एटलीस्ट 100 लाइक्स का, यानी कि अगर 100 लाइक्स इस वीडियो पे पूरे होंगे तो मैं अगली वीडियो GTA 5 पे डालूंगा। और वो वीडियो कौन से टॉपिक पे होगी वो आप लोग पे डिपेंड करता है, यानी आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखने वाले हैं। और अगर आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर मैप एडिटर में कोई इश्यू आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना ये कि आप लोगों ने F7 दबाना है। F7 दबाने के बाद आप लोग के पास करना ये कि आप लोगों ने चले आना है लोड मैप के अंदर। लोड मैप में जाने के बाद आप लोगों ने चले आना है फाइल चूजर में। फाइल चूजर के बाद फिर आपने जाना है स्क्रिप्ट्स के अंदर। स्क्रिप्ट्स में जाने के बाद फिर आपने जाना है व्हीकल जे के अंदर, जो कि आपका खुद का है व्हीकल्स जे। इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, लोडिंग मॉडल लिखा पाएगा, फिर आपका लिखा पाएगा लोडेड मैप, यानी कि आपका मैप इंस्टॉल हो चुका है। बहुत से लोग ये कंप्लेन भी करते हैं कि आपका मैप एडिटर जो है वो F7 दबाने के बाद लोड नहीं हो रहा, तो वो मैं आपको इस पूरी वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका मैप एडिटर लोड नहीं हो रहा F7 या अगर आप लैपटॉप पे है तो Fn+F7 दबाने के बाद। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारा विला लोड हुआ है कि नहीं, तो आए चले चेक करते हैं। सो गाइस हमारा जो विला है वो बेसिकली कुछ इस जगह पे लोड हुआ होगा, तो जाके चेक करते हैं कि लोड हुआ है कि नहीं हुआ है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो विला है वो बेसिकली लोड हो चुका है और ये है हमारे विला की एंट्रेंस। बिल्कुल VIP एंट्रेंस है, जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर का अपना खुद का घर हो। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हम अपने विला पे आ चुके हैं और हमारे विला पे ऑलरेडी बहुत सारी सुपर कार्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम अपनी जो सुपर कार है उसको अपने घर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं VIP एंट्रेंस के साथ। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लैम्बोर्गिनी भी है, फरारी भी है, रोल्स रॉयस भी है और ये जीप भी है। और अगर आप उस तरफ जाएंगे तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास
HD LED TV भी मौजूद है, यहाँ पे आपके पास हॉट बाथ भी है, यहाँ स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग पूल में आपके कुछ दोस्त भी हैं और साथ में ये दोस्त मजीद बैठे हुए भी हैं, यानी आपके पास ऑडियंस हमेशा अवेलेबल ही होंगी। ऊपर चल के देखते हैं हमारे पास कि ऊपर क्या अवेलेबल है। वो देख सकते हैं कि वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भी अवेलेबल है जो कि आप लोग 24/7 जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बैठने की जगह है और ये एक एंट्रेंस है हमारे पास, ये हमारा अपना खुद का पर्सनल ऑफिस है। यहाँ चल के देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो बेसिकली ये हमारा पर्सनल बेडरूम है, ये वार्डरोब है और ये हमारा बेड है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना लाजमी मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस आती है तो आप लोग कमेंट लिख के ज़रूर बता सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कौन सा ऐसा इशू है जिसकी वजह से आपके GTA 5 के अंदर मैप एडिटर F7 दबाने के बाद नहीं आ रहा। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जब मेन्यू ट्रेनर को इंस्टॉल किया था तो हम लोगों ने scriptv.net वर्जन 3.6.0 को यूज़ किया था, लेकिन ये हमारे पास अब पुराना वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन जो हमारे पास अब अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। देखें, अगर आपने एपिक गेम्स या स्टीम से इस गेम को परचेज किया हुआ है, यानी आपके पास दी लेटेस्ट वर्जन जो गेम अवेलेबल है वो मौजूद है, तो आप लोगों ने करना ये है कि आपको ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, आपने ये वेबसाइट खोलनी है और यहाँ पे लिखा हुआ है चेक आउट द नाइटली बिल्ड्स टू डाउनलोड नाइटली बिल्ड्स। यहाँ पे नाइटली बिल्ड्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास ये scriptv.net वर्जन 3.6.0 नाइटली आ जाएगा। बेसिकली ये लेटेस्ट वर्जन है और ये 2 हफ्ते पहले, यानी इस वीडियो के 2 हफ्ते पहले ये अपलोड हुआ है। तो बेसिकली GTA 5 अपग्रेड हुआ था, तो उसके अपग्रेड होने की वजह से scriptv भी अपग्रेड करना पड़ रहा था, तो आप लोगों ने scriptv नाइटली वाले को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेंगे जब आपके पास, तो आपके पास आप लोगों ने उसकी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तो आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ से दोबारा से आपने ये फाइल कॉपी करनी है, 7 फाइल से इनको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पेस्ट कर देनी है और रिप्लेस कर देनी है। जब आप रिप्लेस कर देंगे तो 110% श्योर हूँ कि आपका मैप एडिटर F7 दबाने से स्टार्ट हो जाएगा। मैप बिल्डर को ओपन करने के लिए आप लोगों ने बेसिकली F7 दबाना पड़ता है, लेकिन इस वक्त अभी आप लोग F7 दबाएंगे तो आपका F7 वर्क नहीं करेगा, यानी आपका मैप एडिटर ओपन नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है। एक मिनट में आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग सेटिंग में गए, सेटिंग में जाएंगे और उसमें आने के बाद आपने जाना है की बाइंडिंग्स में, फिर यहाँ पे स्विच टू ट्रैवल का ऑप्शन है F7। तो अगर मैप एडिटर का भी बटन F7 होगा और स्विच टू ट्रैवल का जो ऑप्शन है उसका बटन भी F7 होगा, तो आपका मैप एडिटर वर्क नहीं करेगा, तो आपने बटन को चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको एक दफा लेफ्ट क्लिक करूंगा और आई प्रेस कर दूंगा इस पर, तो हमारा काम बेसिकली हो चुका है। अब मैं बैक जाऊंगा और अब F7 प्रेस करूंगा तो हमारा मैप एडिटर ओपन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोबारा से कि ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी और अगर आपके पास F7 वाला इश्यू आ रहा था अब लाजमी रिजॉल्व हो चुका होगा। सो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने इस वीडियो पे बहुत छोटा सा एक टारगेट रखा हुआ है, अगर 1000 लोग भी इस वीडियो को देखते हैं तो 100 बंदे सिर्फ लाइक करेंगे तो मैं अगली वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। सो गाइस, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो, और लाजमी ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।